शराब माफिया और ठेकेदारों सहित अन्य लोगों को अनाधिकृत तौर पर लाभ पहुंचाते हुए करोड़ों रुपए की बैंक गारंटी फर्जीवाड़े में बुधवार शाम को ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई की। दरअसल अधूरे दस्तावेजों के आधार पर बैंक गारंटी और ओवरड्राफ्ट के शराब ठेके लेने के मामले सामने आने के बाद ईओडब्ल्यू को पंजाब एंड सिंध बैंक की मिलीभगत की जानकारी मिली तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल 150 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने पंजाब एंड सिंध बैंक के राजवाड़ा स्थित ऑफिस पर छापामार कार्यवाही की। आपको बता दें कि शराब ठेकों के मामले में हर साल फरवरी में लगने वाले शराब ठेकों की बोली के पहले हर ठेकेदार को 12% की बैंक गारंटी देनी होती है और बची हुई राशि किस्तों के रूप में जमा करनी होती है। वही इस मामले में शराब ठेकेदारों ने अपने दस्तावेजों के आधार पर गारंटी लेकर ठेके ले लिए, जिसके बाद कई सवाल उठे और शिकायत ईओडब्ल्यू तक जा पहुंची। आपको बता दें शराब सिंडिकेट से जुड़े अधिकतर ठेकेदारों के अकाउंट पंजाब एवं सिंध बैंक राजवाड़ा पर है और शिकायत ये है कि बैंक द्वारा कई मामलों में बगैर प्रॉपर्टी की जांच किए क्षमता से ज्यादा बैंक गारंटी दे दी गई है। यही वजह है कि बुधवार शाम को ईओडब्ल्यू राजवाड़ा स्थित ईओडब्ल्यू एसपी धनंजय शाह ने बताया कि यदि इंदौर स्थित शाखा पर कार्यवाही के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिलती है तो बैंक के दिल्ली स्थित मुख्य कार्यालय पर जांच की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि कौन सी अनियमितता हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में यही तो बात सामने आ रही है कि यदि घोटाला सही पाया गया तो कई चेहरों से नकाब उतर जाएगा और बैंक अधिकारियों पर भी नकेल कसी जा सकती है, क्योंकि साल 2011 से अनियमितताओं की शिकायत सामने आई है। देखिए, इंदौर में पंजाब एंड सिंध बैंक जो राजवाड़ा शाखा है उसके द्वारा 2011 से लेके और अभी तक जितने भी जो बैंक गारंटी खासकर आबकारी से संबंधित जो ठेकेदार हैं उनको दी गई है अन्य विभिन्न ग्रुपों को, उसका आधार क्या है और बैंक गारंटी के अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टीज़ इनके द्वारा बताई गई है उन सब की तस्दीक किया जाना है और इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा बैंक से दस्तावेज चाहे गए हैं। बैंक से दस्तावेज आने के बाद उसका पूरा आकलन हम करा पाएंगे कि कितने लाख की बैंक गारंटी है और बैंक गारंटी सही दस्तावेजों के आधार पर और सही तथ्यों के आधार पर दी गई है कि नहीं दी गई है, ये इसकी हम जानकारी लेंगे। सर, किन किन शराब ठेकेदारों को बैंक गारंटी दी गई है, कितने पेपर दिए गए, शिकायत पूछती है और दिल्ली से भी सर क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं क्या दिल्ली से? देखिए, अभी तो प्राइम फेसी हमने बैंक से दस्तावेज मांगे हैं, यदि बैंक के पास में वो दस्तावेज नहीं मिले तो आवश्यकता हुई तो हम इनके जो हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में है वहाँ से भी दस्तावेज चाहे जाएंगे। सर, किनको किनको सर के दिया गया था बैंक गारंटी भी, किसने किसने सर बैंक? देखिए, प्राइम फेसी तो हमने सभी चीज़ों को समाहित करते हुए पत्र लिखा है, बैंक से जानकारी आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसमें किन किन ग्रुप्स को कितने की बैंक गारंटी दी गई है। सर, प्राथमिक जांच में कितने करोड़ रुपए पूछे था जिसमें आपने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देखिए शिकायत है कितने रुपए इसमें? नहीं, ऐसा बता पाना अभी संभव नहीं होगा क्योंकि प्राइवेसी अभी हम जांच के दायरे में ये सब चीज चल रही है और बैंक से पूरे दस्तावेज आने के बाद ही हम इसमें आगे कुछ बता पाएंगे। सर, किस ब्रांच में कहां पे सर कभी आ जाओ? ये राजवाड़ा में जो पंजाब एंड सिंध बैंक है वहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं वहाँ पर जाकर और पूरे दस्तावेज का अवलोकन कर रहे हैं और उनसे चाहे गए दस्तावेजों को प्राप्त किया जा रहा है।